हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल खेल खेल में जीके में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है आप जान रहे होंगे, यूपी टेट, सी टेट और जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वह प्राइमरी लेवल का स्तर का हो या सेकेंडरी लेवल का हो, ये क्वेश्चन पुटअप हमेशा किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलबर्ग, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक टीचर जो बनने जा रहा है उसके लिए सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये डायरेक्ट फ्रेंड्स आ जाता है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, अनुक्रिया उद्दीपन, कार्यात्मक या संज्ञानात्मक, और RF थ्योरी क्या है, R क्या है, मतलब किसने दिया। और फ्रेंड्स बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है, कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न होती है एग्ज़ाम के टाइम में कि कौन सा किस ऑप्शन में हम मारे, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ ट्रिक होगी इस चैनल के माध्यम से, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से आप A to Z सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और अगर आपने इसके पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है जो कि पावलोव के ऊपर था, ठीक है, पावलोव ने कुत्ते पर खोज करके उसको अपने अपने जो जैसे स्किनर ने दिए थे सिद्धांत दिए थे, उसको मैंने बहुत ही बखूबी तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप सभी को याद कराया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। आज का टॉपिक है स्किनर। स्किनर ने जो जो सिद्धांत दिए हैं उन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से फ्रेंड तुरंत अभी याद करेंगे, और ऐसा याद करेंगे कि एग्ज़ाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड जो स्किनर था उन्होंने सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो स्किनर था, ठीक है, उसने चूहे के ऊपर, ठीक है, कुछ इस प्रकार का मान लीजिए चूहा होगा, चूहा इस प्रकार का चूहा, ठीक है, चूहे के ऊपर मान लीजिए चूहा है और चूहे के ऊपर इसने थ्योरी दी थी, विभिन्न प्रकार की थ्योरी, और थ्योरी का विभिन्न प्रकार का नाम जैसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, इन सभी को याद करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्किनर, ठीक है, याद कैसे करोगे, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्किनर, स्किनर है, तो स्किनर ने फ्रेंड्स जब हम स्किनर पढ़ते हैं तो स्किट एक शब्द आता है, स्किट करना यानी फिसलना, ठीक है, स्केटिंग, स्केटिंग बोर्ड आप सभी ने देखा होगा, इस प्रकार का बोर्ड कुछ होता है, उसमें ऐसे ऐसे पहिए भी लगे रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग स्केट करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है पर आप चीज़ों को समझिए, समझते चलिए। तो हम स्केट करते हैं, जब स्केट करते हैं तो बहुत तेजी के साथ फिसलते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है चूहा, चूहा आप सभी ने देखा होगा कि बहुत तेजी से स्केट करता है, स्किट मतलब है कि फिसलता है, फिसल जाता है, कभी आप हाथ से ऐसे तुरंत चूहे को नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो स्किनर से शब्द आएगा स्किट, और स्किट कौन होता है, चूहा, जाहिर सी बात है स्किट कौन होगा, चूहा होगा, ठीक है, चूहे को पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। तो बस आपने अगर इतना याद कर लिया तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं कि उसने कौन सी थ्योरी दी थी, यानी उसकी जो थ्योरी होती है थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या फिर उसको हम कह सकते हैं RS थ्योरी, ठीक है। अब इसको याद कैसे, एक बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स कि आर थ्योरी किसने, स्किनर ने दिया है कि पावलोव ने दिया है, ठीक है, तो आर थ्योरी कैसे याद रखेंगे, यहाँ हम किसकी बात करते हैं, कर रहे हैं रैट की, रैट मतलब चूहा होता है, ठीक, तो चूहे की बात कर रहे हैं, तो आर थ्योरी किसने दी है, जाहिर सी बात है स्किनर ने दिया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, पहला इसका जो टर्म था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, क्रिया प्रसूत, जाहिर सी बात है कि चूहा होता है वो क्या करता है, बहुत सारी अनेकों क्रियाएं करता है, ठीक है, बहुत सारी क्रिया करता है। जब कभी भी आपको ऑप्शन में मिलेगा क्रिया प्रसूत किसने दिया था, तो आप डायरेक्ट टिक मारेंगे किसको, स्किनर, ठीक, स्किनर ने क्या दिया, क्रिया प्रसूत, क्यों, क्रिया उसने दिया था रैट पे, रैट क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक है। तो पहला हमको ये याद हो गया, दूसरा ये हमको आर थ्योरी याद हो गई कि आर थ्योरी, आर से मतलब रैट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक, अब क्रिया करता है, क्रिया बहुत तेजी से कौन करता है, चूहा करता है, ठीक। तो आपने देखा होगा कि जितने भी अभी मनोवैज्ञानिकों के नाम पढ़ेंगे उसमें हम डॉग पढ़ेंगे, ठीक, और चिंपैंजी पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद एक ये बिल्ली वाला पढ़ेंगे यानी कैट पढ़ेंगे, और एक ये रैट पढ़ेंगे,
मेनली यही चारों हैं, इसी को आपको याद करना रहेगा कि इन सभी में आप देखेंगे कि एक्टिव सबसे ज़्यादा है कैट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको डॉग से भी बचना है और इससे इसको कैट से भी बचना है, ठीक है। तो सबसे एक्टिव आपको क्या माना जाएगा? रैट माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है सक्रिय, सक्रिय मतलब ही होता है एक्टिव, ठीक है। सक्रिय मतलब ही होता है एक्टिव, और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, तो सक्रिय कौन होगा? सक्रिय होगा, जाहिर सी बात है, रैट होगा। तो रैट सक्रिय होगा, तो जब भी आप देखेंगे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत उसने दिया है, तो आप किसके साथ जाएंगे? स्किनर के साथ। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। इसके बाद अनुक्रिया, ठीक है, याद करिए। देखिए हमने एक बार क्रिया पढ़ चुके थे, क्रिया मतलब ये काफ़ी क्रियाएं करता है, यानी कभी आप देखेंगे किसी बोरी में छुप जाएगा, ठीक है, कभी भागेगा, कुछ चीज उतर देगा, ठीक है, तो अनुक्रिया करता रहता है, ठीक है, यही क्रिया है और इसी के साथ अंग लगा है, तो आप जब भी देखेंगे तो अनुक्रिया आ जाएगा, ठीक है, यानी ये भी किसके साथ जाएगा? स्किनर के साथ। इसके बाद आता है कार्यात्मक प्रतिबंधता, ठीक। अब कार्यात्मक, कार्य मतलब ये भी कार्य से आ रहा है, रिलेट हो रहा है, ठीक है। कार्य मतलब कार्य करना, काम करना, और प्रतिबंधात्मक यानी कार्य करते रहना। देखे होंगे इसको, ऑलवेज कुछ ना कुछ काम करता है, कभी कोई चीज उतर देगा, कभी कुछ काट देगा, हमेशा कार्य कौन करता है? चूहा करता है। बिल्ली हमेशा बैठी रहेगी, ठीक, और डॉग हमेशा बैठे रहेगा, सोएगा, लेकिन जो रैट होगा वह हमेशा हमेशा क्या करेगा? कार्य करता रहता है, कुछ ना कुछ उतरता रहेगा। इसके बाद एक आर्थ में आता है लास्ट, ये है साधात्मक, साधनात्मक, ठीक है। साधनात्मक में आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाए, ठीक है। तो एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है साधनात्मक, साधन यहाँ से एक वर्ड निकल रहा है साधन, साधन वर्ड की आप सभी मीनिंग जानते होंगे। साधन मतलब होता है साधन, जैसे हम कहते हैं कि जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, कहने का मतलब जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, ठीक है, साधन वही होता है फ्रेंड। जैसे ऑटो हो गया, ये रिक्शा हो गया, ये सब साधन ही कहलाते हैं। और चूहे की हम बात कर रहे थे, चूहा, ठीक, चूहा किसका साधन है, यानी इसमें चूहे में कौन बैठ के जाता है? अरे आप सभी को पता होगा कि गणेश जी का वाहक है, चूहा जो है गणेश जी का वाहक है, और जाहिर सी बात है वाहक जो होता है वही क्या होता है? साधन है, ठीक। तो साधात्मक, आपको साधनात्मक अनुबंध कभी भी दिखेगा, किसका किसने दिया है ये थ्योरी, तो आप किस में जाएंगे? स्किनर मारेंगे, ठीक। क्यों? साधात्मक में साधन आता है, और साधन ये किसका है? गणेश जी का साधन क्या है? तो जाहिर सी बात है आप किसको मारेंगे? सिख मारेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और पूछ लेता है कि स्किनर बॉक्स क्यों, क्योंकि जब स्किनर ने प्रयोग किया था, किया क्या था, चूहे को एक बॉक्स में बंद किया था, चूहे को एक बॉक्स में बंद करके एक लीवर दिया था, ठीक है। तो लीवर को जब ये दबाता था तो अपने आप ऑटोमेटिक खाना आ जाता था इसके पास, और इसी को बॉक्स में परफॉर्म करने की वजह से इसको स्किनर बॉक्स नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये स्किनर के बारे में सारी चीज़ें एकदम फिंगर ट्रिप में याद हो गई होगी, क्योंकि आप जैसे ही देखेंगे क्रिया, क्रिया कौन पड़ता? चूहा। सक्रिय, सक्रिय कौन रहता है? एक्टिव सबसे ज़्यादा कौन रहता है? चूहा। अनुक्रिया, फिर से क्रिया आया, क्रिया कौन करता है? चूहा। कार्यात्मक, कार्य करता रहता है, दिन भर कोई ना कोई काम करता है, कौन? चूहा। साधनात्मक, ये साधन किसका? गणेश जी का, कौन? चूहा, ठीक। इसके बाद आर्ट थ्योरी, आर्ट का मतलब रैट, यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ रहा है रैट, इसलिए रैट यहाँ से हो गया। और स्किनर बॉक्स, बॉक्स के अंदर परफॉर्म किया था इसलिए इसको स्किनर बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक और कमेंट करिएगा।